से सुनिस जो बता रहा था। जब हम कोई एसी को वैक्यूम करते हैं तो वैक्यूम करने के लिए हमें कंपाउंड गेज यूज करना होता है, तो हमारे पास ये प्रेशर गेज है, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। कंपाउंड गेज में एक एक में दो दो सेट आ रहा है सर, वो क्या होता फिर? वो यहां पे कंपाउंड है, कंपाउंड गेज गलत है। ये मतलब ये प्रेशर गेज है आपका, प्रेशर डालने के लिए वो होता है कंपाउंड गेज, वैक्यूम करने के लिए और गेट डालने के लिए। जब कंपाउंड गेज हम यूज करते हैं वो कहाँ है फिर? वो है लेकिन दो हमारे पास आए और जिससे मैं लेके आया तो उसने मिस्टेक से दोनों ही कंपाउंड गेज दे दिए, जिसमें कंपाउंड गेज में जो पैकिंग होती है ना, कंपाउंड रखा है हमारे पास डब्बा गेज वो वहाँ पर रखा हुआ है। हाँ, ये ब्लू कलर का कंपाउंड गेज और ये हमारा रेड कलर का प्रेशर गेज, प्रेशर गेज जिससे मैं लेके आया था तो उसने धोखे में कंपाउंड गेज के उसमें रेड कलर का ये गेज रख दिया। अच्छा, कंपाउंड गेज रख दिया, कंपाउंड गेज मतलब प्रेशर गेज रख दिया, तो फिर पैकिंग में मिस्टेक हो गई। तो मैं तो यही लेने गया, तो हमें ये यूज करना होता है। इसमें देखो जीरो से ही 30 तक आ जाता है ना PSI बैग में, जब वैक्यूम करेंगे तो ये 30 तक आ जाएगा, ठीक है? तो जब हम इस पे इस तरीके से वैक्यूम करते हैं तो हमारी ये लाइन खुली होती है और यहाँ पे दो पाइप कनेक्ट होते हैं जो हमारे इंडोर यूनिट से आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, ये लीकेज नहीं होते हैं। जब हम टाइट करते हैं ये लीकेज नहीं होना चाहिए। जब हम इसको लगाएंगे तो हम इस चार्जिंग लाइन को इस पे लगा देंगे। ये किस लिए क्या कर रहा हूँ? वैक्यूम का मतलब क्या? मतलब कि इसके अंदर जो मॉइस्चर है पाइपों में, डस्ट हो सकती है, मॉइस्चर या लिक्विड हो सकता है, तो उसको खींचने के लिए। अच्छा, मतलब पाइप को क्लीन करने के लिए। ओके ओके। कार्बन जो इसके अंदर जमा होता है उसको क्लीन करने के लिए, क्योंकि प्रॉपर तरीके से जब हम गैस चार्ज करें तो प्रॉपर तरीके से कूलिंग करे और हमारा जो टेम्परेचर शो करता है वो टेम्परेचर शो करे। ओके सर। क्योंकि इसके अंदर ऑयल रह गया या लिक्विड रह, मतलब गैस या मॉइस्चर कुछ भी रह गया, तो ये प्रॉपर कूलिंग नहीं करेगा। गैस तो ले लेगा और ऑन सब कुछ करेगा, लेकिन प्रॉपर कूलिंग जो आपको डिग्री ग्रिल टेम्परेचर चाहिए होता वो नहीं शो करेगा। तो इसलिए हम इसको वैक्यूम करते हैं पहले। अच्छा, यहाँ पे वैक्यूम पंप की दूसरी लीड लगाते हैं, ठीक है? ऐसे ये याद रखना कि जब हम गैस चार्ज या वैक्यूम या पंप डाउन करते हैं तो जो मेन जो हमारी इस पे जो चार्जिंग लाइन लगती है ना वो हमेशा यहाँ पे लगेगी, नीचे वाली साइड में। हाँ, तो मतलब इस तरीके से गेज है तो यहाँ पे लगेगी चार्जिंग लाइन और यहाँ पे गैस डालने हैं तो गैस इससे कनेक्ट हो जाएगी। फिर दो है तो उसमें क्या, दो मीटर होने से उसमें दूसरा लगेगा, उसके बाद ये लगेगा क्या? दोनों में से एक को हम यूज करेंगे। उसमें भी दोनों सेम ही होता है, मतलब उसमें एक बीच का वाल होता है। हमने अगर इधर वाला बंद कर दिया तो हमारा जैसे दो तरफ होते हैं ऐसे लट्टू, एक इधर दो गेज होते हैं, ये और ये, तो हमें गेज डालनी है तो हम इस वाली चार्जिंग लाइन को बीच पे यूज करेंगे। बीच में तीन नोजलें निकली होती हैं, आपने गौर किया होगा तो तीन ही होती, तो बीच वाले पे हम यूज कर देंगे और इसको बंद कर देंगे। क्योंकि हमारा ये प्रेशर गेज इस समय बंद हो चुका है, ये बंद हो गया और इस पे इधर जो कंपाउंड गेज उसकी लीड पे लगा के इस पे चेक कर देंगे, सेट कर देंगे, ठीक है? तो वैक्यूम करेगा, सिलेंडर पे लगा देंगे तो गैस चार्ज करेगा, पंप डाउन के लिए तो हमें सिलेंडर चाहिए नहीं होता, और उस वाले गेज को हम खोल देंगे तो यहाँ से गैस लेगा और यहाँ से अंदर आ जाएगी। वैक्यूम करेगा तो मतलब यहाँ से इसको खींचेगा और यहाँ से बाहर निकाल। तो इस तरीके से ये वैक्यूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको यहाँ लगा दिया और उसको वहाँ पे कनेक्ट करके और वैक्यूम पंप को स्विच में लगा के ऑन कर दिया बस। और कम से कम हमारा ये 1.4 HP का है, पावर का है, तो इसको 30 से 35 मिनट वैक्यूम करेंगे, आधा घंटा, ठीक है? 30 घंटे। इससे अगर ज़्यादा 2.4 HP का होता है तो हम 15-20 मिनट में वैक्यूम कर लेंगे। ज़्यादा एक बड़ी वाली मशीन होती है जो 10 HP के आसपास, उसमें तो 5 मिनट में ही वैक्यूम हो जाता है। तो एक वैक्यूम पंप की कैपेसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें वैक्यूम करना पड़ता है। ओके। तो उसके लिए है वैक्यूम करने का प्रोसीजर यही सेम है। गैस चार्जिंग करने के लिए हम इस चार्जिंग लाइन को सिलेंडर में लगा के और एसी ऑन करेंगे और कंप्रेसर अपने आप गैस वहाँ से सिलेंडर उल्टा करेंगे, गैस को खोलेंगे थोड़ी देर, गैस अंदर जाएगी। नाइट्रोजन कैसे भरेंगे? नाइट्रोजन भी सेम प्रोसीजर। नाइट्रोजन है अभी? नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन मत। नाइट्रोजन किस लिए फिर उसको? नाइट्रोजन होती है कि प्रेशर के लिए, मतलब
कभी लीकेज नहीं मिल रही बाई चांस, वैसे कंपनी इतने जल्दी अलाउ नहीं करती, उससे बहुत ज्यादा केसेस हो जाते हैं नाइट्रोजन से। हाँ, तो वो हाई प्रेशर गैस है, बहुत कम चांस होते हैं जो आपको यूज करना पड़े, नहीं तो आपको गैस के ही प्रेशर से लीकेज मिल जाती और जहाँ पे लीकेज होती वहाँ पे ऑयल आ जाता है। तो आपको नाइट्रोजन बाई चांस यूज करना पड़ जाए तो उसके बारे में बता दूंगा, लेकिन यूज तो आपको बहुत कम करना है। नाइट्रोजन लीकेज नहीं मिल रही है बाई चांस तो यूज कर सकते हो, नहीं तो आपको नाइट्रोजन नहीं यूज करना, रिस्की गैस होती है, थोड़ी सी आप गलती करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट। क्या प्रॉब्लम हो सकते है? आप नाइट्रोजन डाल दी और एसी चला दिया तो कंप्रेसर फटेगा। अरे तो इस चीज का मैं इसलिए नाइट्रोजन के बारे में ज्यादा बताता नहीं। अगर यूज करना है उसके लिए कभी यूज करते हो फिर एक बार बात कर सकते हो, आप बात करके फिर यूज करना कि कैसे कैसे करना है वो मैं आपको बता दूँ। फिलहाल तो मैं नाइट्रोजन के बारे में बता दूंगा कि कैसे यूज करना है। नाइट्रोजन जब यूज करते हैं, जब हमें कभी लीकेज नहीं मिलती कि हमें कंफर्म है कि हमारे इस यूनिट में लीकेज है, गैस इस यूनिट में हमारे लीकेज है और हमें लीकेज मिल नहीं रही है, मतलब लीकेज नहीं मिल रही, तो उस समय इसको हम बंद कर देंगे। इसको नहीं बंद करेंगे, यहाँ से लंकी से घुमा के बंद कर देंगे या इस पर ड्रेन नट लगा देंगे, जो ब्लैक कलर के नट लाए थे दिखाना इसमें। अरे लग गए वो उसके किनारे, कोई नहीं इतना तो लगता ही रहता है। सर नीचे वाला को भी बंद करना पड़ेगा? हाँ, मतलब उसके अलावा कोई खुला नहीं होना चाहिए। आप प्रेशर होल्ड करोगे तो आपके ये दोनों पॉइंट भी बंद होना चाहिए, ये दोनों पॉइंट बंद होना चाहिए। इसमें पाइप कनेक्ट होगा तो मतलब पूरे सिस्टम में ही गैस होल्ड होगी, इनडोर में भी, पाइपिंग में भी और आउटडोर में। तो अगर आपको इस यूनिट में गैस होल्ड करनी है, प्रेशर होल्ड करना है, तो आपको ये दोनों पॉइंट इस पे मतलब जो पाइप हमारे यहाँ आएगा ये बंद होगा ऊपर से। ओके ओके, तो कहीं है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेके ये मेरा बंद है, इसमें रबड़ लगा रखी है। अच्छा, तो हम इसको यहाँ पे कर देंगे। ये बंद है? हाँ बंद है, इसको मैं टाइट कर दूंगा ना तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब यहाँ से लीकेज नहीं होगी, इसको रिंच से टाइट करना पड़ेगा। रिंच देना, रिंच से इतना टाइट कर देना है कि ये लीकेज ना हो। मतलब यहाँ पे सर्फ लगा के देखना कि लीकेज तो नहीं है, ये वो चीज आपको देखनी है। लीकेज अगर होगा तो ये हमारा वैक्यूम काम नहीं करेगा, वैक्यूम काम नहीं करेगा, जो प्रेशर होल्ड कर रहे तो कहीं और लीकेज है वो भी कंफर्म नहीं होगी। तो सर ये तो दोनों में पाइप लगा रहता है ना हमारा, इंडोर में जाता है खाली, आपको आउटडोर में और आउटडोर में करना है तो इनको होल्ड करना है, अगर दोनों को करना है तो ये खुले रहेंगे, सिर्फ ये दोनों को हमें होल्ड करना है। नहीं इसको भी नहीं, खाली यहाँ से गैस डालनी, पूरे सिस्टम में पहुँच जाएगी, जैसे गैस पहुँचती वैसे नाइट्रोजन पहुँच जाएगी। जब हमें इनको करना होगा तब इनको, जैसे मैंने मान लिया कि मतलब ये हमने बंद कर दिया और हमारे इस यूनिट में लीकेज है, उस समय हमें प्रेशर नाइट्रोजन यूज करनी हो, हमें लीकेज नहीं मिल रही, तो हम नाइट्रोजन, मेरे पास एक ही ऑप्शन है जो हम नाइट्रोजन से ही देख सकते हैं, तो उस समय हम नाइट्रोजन यूज करेंगे। नाइट्रोजन का प्रेशर होता है कि 300 से 350 प्रेशर इसमें डालेंगे चेक करने के लिए, हाई प्रेशर गैस है। उस समय आपको ये जो कनेक्शन है ना यहाँ पे, जो हमारा इंडोर से कनेक्शन आ रहा है, ठीक है, तो जो इंडोर से जो वायर आ रहा है आउटडोर को स्टार्ट करने के लिए, उस कनेक्शन को खोल देना है, मतलब उस जो वायर आ रहा है ना वाइट कलर का, उसको हटा देना है बिल्कुल। इंडोर में कोई, आउटडोर में कोई भी सप्लाई नहीं आना चाहिए, उस वायर को हटा देना है, उस समय आपको इसमें यूज करना है, क्योंकि कोई गलती से भी एसी को ऑन ना कर दे और कंप्रेसर ऑन हो जाए तो उसमें ब्लास्ट होने के चांस हो जाते हैं, होने के चांस नहीं, वो 100% ही चांस हो जाते हैं, होगा ही होगा अगर ऑन नाइट्रोजन ऑन हो तो। उस समय कनेक्शन हटा दो, फिर आपको ये सब कुछ कर लेना है। नाइट्रोजन का सिलेंडर, एक नाइट्रोजन का प्रेशर होता है, जो हमारी जो चार्जिंग लाइनें होती हैं, आपने वो गैस देखा होगा उसमें तीन कलर की लाइनें लगी होंगी, ऐसी कंपाउंड गेज, कंपाउंड गेज गौर किया था आपने, एक रेड कलर की, एक येलो कलर की और एक ब्लैक कलर की, ब्लू कलर की, गौर करके देखना, तो तीन कलर की चार्जिंग लाइनें लगी होती, तीनों कलर की चार्जिंग लाइनों का अपना अपना प्रेशर, मतलब प्रेशर कंट्रोल करने की कैपेसिटी है। जो हमारी रेड कलर की होती है, क्योंकि हमारा जो रेड कलर का प्रेशर गैज है और हम नाइट्रोजन प्रेशर यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी रेड कलर की चार्जिंग लाइन होगी, जो रेड कलर की चार्जिंग लाइन होगी वो दोनों ही होंगी और वो यहाँ से नाइट्रोजन में कनेक्ट होगी, यहाँ से इसमें कनेक्ट हो जाएगी, और जब हम गैस डालेंगे तो इसको खोल देंगे थोड़ा, क्योंकि नाइट्रोजन का प्रेशर बहुत हाई होता है, मैंने एकदम से झटके से नाइट्रोजन को खोला तो चार्जिंग लाइन फट जाएगी। अच्छा,
उसको पहले धीरे धीरे खोलना है और यहाँ से खोल देना तो गैस अंदर जाने लगेगी थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो उसके अंदर कोई गैस होना नहीं चाहिए क्योंकि ये खाली होना चाहिए उस समय पाइप। पंप डाउन करना चाहिए पहले? नहीं, पंप डाउन तो मतलब हो ही नहीं सकता क्योंकि गैस लीकेज है तो सारी गैस निकल चुकी, उस समय हमें नाइट्रोजन यूज करना। जब नया गैस चार्ज करते हैं तो पंप डाउन जरूरी है। हाँ, जब नया चार्ज करते रिफिल करते तो मतलब ये करेंगे नाइट्रोजन इसमें डाल देंगे और नाइट्रोजन का 350 प्रेशर है, 300 या 350 प्रेशर यहाँ तक सुई आ जाएगी होम के। तो सर ये तो R22 में है ना, R410 में अलग है। नहीं नहीं, ये हम नाइट्रोजन के नाइट्रोजन का बता रहे हैं जो हमें लीकेज चेक करने के लिए 300 से 350 प्रेशर हमें देखना होता है, तो उतना प्रेशर डालेंगे और इसको यहाँ से बंद कर देंगे और ये चार्जिंग लाइन खोल देंगे। पहले सिलेंडर बंद करेंगे फिर इस गेज को बंद करेंगे और ये, तो आपको ये ध्यान देना है कि हमारा 350 की पॉइंट पे ही है ना फिर, तो वो ध्यान देना और ये चार्जिंग लाइन खोल देना है। फिर आपको सर्फ एक स्पंज ले लेना है या कपड़ा ले लेना है, यहाँ पे झाग लगा के चेक करना है, यहाँ झाग लगा के चेक करना है लीकेज तो नहीं है। फिर हमने खोलना है पूरे और सारे पाइप चेक करना है, लीकेज अगर नहीं मिल रही है तो ये पाइप हमें प्रेशर जितना है ना इतना होल्ड कर देना है, यहाँ पे ऐसे करके रख देना है। अब कस्टमर को बता देना है कि मैं 2 दिन के बाद आऊँगा, आपके एसी में लीकेज नहीं मिल रही है मैं, तो 2 दिन के बाद आऊँगा और मैं प्रेशर चेक करूँगा, अगर प्रेशर इसमें ड्रॉप हुआ तो आपके यूनिट का कंडेंसर कॉइल लीकेज होता है। एक माइनर जो लीकेज होते हैं वो इससे होते हैं एलुमिनियम में, कभी हो सकता ना मिल रहे हो तो आप बता सकते हो कि आउटडोर में ही लीकेज है, तो हम इसको फिर प्रॉपर तरीके से सारे पॉइंट चेक कर लेंगे क्योंकि आपको कन्फर्म होगा कि नहीं हमारे आउटडोर में लीकेज, आउटडोर के सारे पाइप चेक कर लेंगे सही है, तो फिर आप डिक्लेयर करेंगे आपको मिल गई कंडेंसर का कंडेंसर पाइप, बता देंगे कस्टमर की ये लीकेज है और ये चेंज होगा आपको, तो ये प्रोसीजर है नाइट्रोजन होल्ड करने का। ऐसे सेम इंडोर में करेंगे कूलिंग कॉइल के लिए, अगर लीकेज मिल जाती और रिपेयरबल लीकेज है तो रिपेयर करेंगे, अगर रिपेयरबल नहीं है तो उसको हम चेंज करेंगे पार्ट को, ठीक। ये हमारा नाइट्रोजन होल्ड करने का प्रोसेस है। वैक्यूम करने का भी सर ये जो मतलब वैक्यूम मतलब होल्ड करके गैस रखते हो वो कितना घटता है? और 300 प्रेशर देखो अगर ज्यादा बड़ी अगर ज्यादा बड़ी लीकेज होगी तो बिल्कुल भी गैस नहीं रह जाएगी, मतलब 100-150 में रुक जाएगा? नहीं रुकेगा ही नहीं, अगर ज्यादा बड़ी लीकेज होगी तो वो 0 पे आ जाएगी सी, क्योंकि वो प्रेशर तो निकलेगा। माइनर लीकेज होगी तो हो सकता है 100 पॉइंट लीकेज हो, 150 पॉइंट, 100 पे भी रुक सकती है, 50 पे भी, लीकेज पे डिपेंड करता है वो लीकेज कैसी है, ज्यादा बड़ी है या बहुत बारीक है, थोड़ा थोड़ा प्रेशर डाउन होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि जितनी बड़ा लीकेज होगा तो ज़्यादा गैस निकलेगी, कम लीकेज होगा तो कम गैस निकलेगी, कम लीकेज। हाँ तो ये है अभी वैक्यूम नहीं करेगा इसको, वैक्यूम हम बिजली विंडो एसी को कर लेंगे, अभी उसमें गैस चार्ज भी करेंगे और विंडो एसी को वैक्यूम भी करेंगे, इस पर वैक्यूम नहीं करेंगे।